समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल हसनपुर प्रखंड परिवादी मृत सेविका गुंजन कुमारी के पति गंगा पासवान ग्राम खरहिया वार्ड नंबर 14 आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 42 में मैपिंग पंजी को लेकर हुई धांधली की शिकायत रोसड़ा अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शिवशंकर पासवान के कार्यालय रोसड़ा परिवाद दायर की गई, जिसमें अपने प्रस्तुत परिवाद आंगनबाड़ी सेविका बहाली से संबंधित परिवाद का अवलोकन किया। सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि परिवाद का मूल विषय सेविका चयन सम्मान तथा अनुसूचित जाति में घोषित करने को लेकर दायर किया गया। परिवादी को अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कार्यालय में उक्त परिवाद के निवारण हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समस्तीपुर परिवाद दायर करने के लिए भेज दिया। ICDS के समक्ष परिवाद दायर की गई है। इस वैकल्पिक सुझाव के साथ परिवाद चल रहा है। मैपिंग पंजी को लेकर हुई विवाद की कार्रवाई अनुमंडल लोक शिकायत से समाप्त कर दी गई। मैपिंग पंजी को लेकर स्थानीय राजनीतिक गलियारे का खेल चल रहा है। ग्रामीण अपना अपना दांव पेच लगा रहे हैं। क्या मामला है? मैं गंगा पासवान हसनपुर प्रखंड देवधा दूधपुरा पंचायत ग्राम खरहिया वार्ड 14 की समस्या है। जो 2003 में बहाली हुई थी आंगनबाड़ी, उस समय सुरक्षित सीट था एक और एक सामान्य सीट था, जिसमें सुरक्षित सीट में गुंजन कुमारी थी। उनकी मृत्यु 14/8/2019 को हो गई। उसके बाद उसने जो रेखा कुमारी सुपरवाइजर है, उसमें उसका मैपिंग पंजी तैयार करवा रही है गण संख्या 57 से, हाँ, जिस उसका नाम है शेखा गंजू कुमारी, उसका बेटा दुर्गेश दास है। उन्होंने मैपिंग पंजी तैयार किया है और तैयार करने के क्रम में मैपिंग पंजी मैंने देखा, वह मैपिंग पंजी गलत है। क्रमांक 42 क्रमांक 44 डबल नाम किया गया है। सामान को बढ़ावा दिया गया है। अनुसूचित जाति को उड़ाया जा रहा है। पिछड़ी को भी घटाया गया है। उससे मेरा यह मैंने सुरक्षित सीट खत्म हो रहा है। इसकी जानकारी मैंने लोक शिकायत में दिया। उसके बाद उसमें 3 तिथियाँ दिया गई, उस पर रेखा कुमारी को उपस्थिति नहीं हुई। तब उन्होंने उसका रिपोर्ट समस्तीपुर पर समर्थक को भेजा, वहाँ भी मैंने अपील कर दिया है। 24 डेट पर है, वहाँ पर 16 डेट है। और उसके बाद STO साहब की भी सूचना दिया है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी DPO को भी मैंने दिया है। सबको सब देख रहे हैं। मैं गुहार का लगाता हूँ केंद्र संख्या 14 में किसी प्रकार यह सुरक्षित सीट मेरा बरकरार रहे और पुनः फिर उसकी बहाली हो। ऐसी मैं गुहार लगा रहा हूँ। यही सब समस्या है मेरे साथ में। और किसी प्रकार की सुनवाई रेखा कुमारी नहीं कर रही है। CDPO चुपचाप मौन बैठी है। क्या नाम बोले? CD रेखा कुमारी पर्यवेक्षक जो है केंद्र संख्या 62 का सेक्टर 5, वह इधर उधर अपना मन से मनमानी कर रही है। और उसके बाद उसी में 3 किलोमीटर केंद्र संख्या 62 से दूर अंजू कुमारी को 57 उसको पुनः फिर उस केंद्र संख्या 62 का प्रभारी बनाई है। लेन देन 10,000 रुपये की है और वह लेकर के और उसमें उसने कहीं बंदर बांट करेंगे हम लोग। तुम भी लड़ना, मैं भी लूँगा। मैं इसका भी आवेदन STO साहब को दिए हैं। करेंट में उनका दिए हैं 3/3/2020 मैंने दिया है। वो भी कहें ऐसा नहीं होगा, मैं CDPO को बोल रहा हूँ और वह फिर उसकी मैंने जांच का पत्र करके उसको पुनः फिर उसको ठीक ठाक करेंगे। ऐसा चीज़ नहीं हुआ क्या? सभी निकट का केंद्र छोड़ करके बहुत दूर 3 किलोमीटर चली गई है, खराब परौड़िया के निकट खराब है। यही सब मेरे पास में समस्या है और किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। रेखा कुमारी मनमोजी काम कर रही है पर्यवेक्षिका जो है, हाँ, इसका अविलंब पदाधिकारी कार्रवाई करें और साथ साथ मेरा सुरक्षित सीट कायम रखें।